हाय गाइस, मैं उशांतनु। तो इस हफ्ते मैंने देखी दो फिल्में। पहली थी जॉन विक 4 और दूसरी थी एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, लेकिन कुछ खास हो हल्ला है नहीं, कुछ बात हो नहीं रही है उसके आसपास। बट यू आर इन फॉर अ सरप्राइज अगर तुम वो वाली फिल्म देखने का डिसाइड करते हो। तो उस फिल्म का नाम है चोर निकल के भागा। इन्हीं दोनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे हम आज ऑनेस्टली सेइंग में। एक्शन फिल्म्स की हिस्ट्री में कितनी ऐसी फिल्में होंगी, कितनी ऐसी फ्रेंचाइज होंगी जिसके सारे के सारे पार्ट एक से बढ़कर एक हो। टर्मिनेटर 1, 2, 3, तीसरी टर्मिनेटर के बाद जितनी टर्मिनेटर आई है उससे अच्छा तो हीरोपंती देख लो बैठ के। रैम्बो 1, 2, 3, इसके बाद रैम्बो सीरीज ने भी अपनी स्टीम लूज कर दी। बट हाँ, मिशन इम्पॉसिबल 1996 में पहला पार्ट आया था और 2024 में उसका लास्ट पार्ट आएगा। डेड रेकनिंग के दोनों पार्ट्स के बाद 8 कंप्लीट फिल्में हो जाएंगी मिशन इम्पॉसिबल की बेल्ट के अंदर, विच आई थिंक इज अ वेरी हार्ड प्रॉपर्टी टू बीट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड। बट इन माई ओपिनियन यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर द रॉ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट दैट यू गेट आउट ऑफ वॉचिंग जॉन विक, वो तुम्हें किसी भी मिशन इम्पॉसिबल में देखने को मिलेगी। जॉन विक 4 देखने के बाद ना, सही बता रहा हूं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा और वो ये है, कैन बाबा यागा एवर फेल। दिस हिट goes out to you, Mr. Wick. नियरली 4.5 हो गए जॉन विक 3 पैराबेलम को आए, पूरा का पूरा कोविड निपटा दिया हमने। लेकिन तुम जब जॉन विक 4 देखने बैठोगे ना, तुम्हारे को ऐसा लगेगा यार टाइम तो कहीं निकला ही नहीं, ये तो वैसे का वैसा ही है। क्लासिक जॉन विक स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले के स्टाइल को फॉलो करते हुए जॉन विक 4 भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे जॉन विक 3 पैराबेलम खत्म हुई थी। सही बताऊं तो जॉन विक 3 पैराबेलम देखने के बाद ना, उस पिक्चर की क्वालिटी ऑफ एक्शन देखने के बाद, द वे थिंग्स हैड बीन कोरियोग्राफ्ड इन पैराबेलम, मुझे ये लगता था कि भैया इसको टॉप कोई एक्शन मूवी कर ही नहीं सकती। कोई और फिल्म तो छोड़ो, मेरे को ऑनेस्टली ये लग रहा था कि भैया अगर जॉन विक 4 आती है तो उसमें ऐसा क्या दिखा देंगे इसके क्रिएटर्स जो पैराबेलम से ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा इंप्रेसिव होगा। बट लीस्ट डिड आई नो यार, जॉन विक 4 हैज एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्शन दैट जॉन विक 2 एंड 3 हैड कंबाइंड। ट्वाइस द गन फाइट्स, ट्वाइस द स्वॉर्ड फाइट्स, ट्वाइस द जुजित्सु, ट्वाइस द नाइफ फाइट्स, हर चीज इस फिल्म में ट्वाइस है, यहां तक कि इसकी रनिंग लेंथ भी। Not really. कहानी में जॉन विक हाई टेबल के लिए एक बहुत ही डेडली सरप्राइज की तरह आता है, क्योंकि हाई टेबल के हिसाब से और हाई टेबल ने ये मान भी लिया था कि जॉन विक लास्ट पार्ट में मर चुका है जब विंस्टन उसको न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल की छत पे गोली मारता है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। जॉन विक को ये तो पता है कि वो हाई टेबल के अगेंस्ट वन वे हाईवे पे है, या तो वो मारा जाएगा या तो वो हाई टेबल को खत्म कर देगा। लेकिन पिक्चर का सस्पेंस और थ्रिल ये है कि क्या वो एट द एंड ऑफ दिस फिल्म, एट द एंड ऑफ जॉन विक 4, हाई टेबल को खत्म कर पाता है। 2020 में ये रिवील किया गया था कि there would be at least 2 more John Wick films, which includes John Wick 4 and 5. Now this brings me to a very compelling Reddit fan theory about John Wick series, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो काफी interesting है। इस fan theory के हिसाब से जो John Wick कहानी है as a whole, वो based है on 5 parts of grief. John Wick 1 में था जो पहला part है grief का, वो है denial. जब ये deny करता है, जब ये accept नहीं करना चाहता कि मेरी बीवी मर चुकी है, he is clinging on to all the belongings she left. John Wick 2 में आता है grief का दूसरा part, जो है एंगर, जहां पे ये कॉन्टिनेंटल्स के सेक्रेट जोन में गोली मार देता है। जॉन विक 3 में ग्रीफ का तीसरा पार्ट था जो है बार्गेनिंग, क्योंकि 3 में अगर तुम्हें याद होगा तो ये किसी ना किसी से पूरी पिक्चर में फेवर ही मांगता रहा है, द बिगेस्ट फेवर बीइंग ये डेजर्ट में जाके हाई टेबल ढूंढ लेता है वहां पे अपनी लाइफ को बार्गेन करने के लिए। नाउ जॉन विक 4 में जो हमारे को देखने को मिलेगा वो है इस थ्योरी के हिसाब से चौथा पार्ट ग्रीफ का, जो है डिप्रेशन। वैसे तो जॉन विक थ्रू आउट एवरी फिल्म डिप्रेस्ड ही लगता है, लेकिन अगर ये थ्योरी पढ़ के तुम ये पिक्चर देख लोगे ना, जैसे मैंने देखी थी, तो तुम ना काफी सारी चीजों को रिलेट करने लग जाओगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने ना विंटर के बहुत ऐसे शॉट्स लिए हैं जो डिप्रेशन को दिखाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये भी हिंट किया गया है कि जॉन विक अब बहुत ज्यादा थक चुका है, वो उतना ज्यादा गुस्से में नहीं है जितना वो पहला दूसरे और तीसरे पार्ट में था, और अब वो थोड़ा सा स्लॉपी हो चुका है। सो ये थ्योरी ना थोड़ा सा तथ्य यहां पे होल्ड करती है। बट जब तुम जॉन विक 4 की एंडिंग देखोगे, जो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, तब तुम्हारे को ये लगेगा कि जो थ्योरी का पांचवा पार्ट है ग्रीफ का, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस, वो कैसे आएगा प्ले में। अगर वो प्ले में आता है तो क्या जॉन विक 5 होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन इस सीक्रेट का भी इस पिक्चर की एंड में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death.
Amen. इस पार्ट में बिल स्कार्सगार्ड प्ले कर रहे हैं द मेन विलेन, जिसको पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पावर दे दी है हाई टेबल ने जॉन विक को खत्म करने के लिए। डॉनी येन को हम सबने ट्रेलर में देखा था, लेकिन डॉनी येन इस फिल्म में एक बहुत ही की रोल प्ले करते हैं और शुरू से लेके आखिरी तक पिक्चर के अंदर वो हैं। इनफैक्ट उनके फाइट सीन्स फैंटास्टिक हैं। एक उनका सिग्नेचर इप मैन वाला याद है, एसएसएस वाला, वो वाला शॉट भी लिया गया है। आगे 65 का बोनस, हीरो युकी सनाडा और स्कॉट एडकिंस के भी जबरदस्त फाइट सीन्स हैं। इनफैक्ट एक पूरा रशियन रूले वाला सीन बन जाता है, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, जहां पे स्कॉट एडकिंस एक बहुत मोटे आदमी प्ले कर रहे हैं, एक रशियन मोटा प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब तुम उस शॉट के बाद क्या होता है, जो एक्शन सीक्वेंस आता है वो देखोगे ना, तुम्हारी कान फट जाएगी। लेकिन दो चीजें हैं इस पिक्चर के बारे में जो शायद इस पिक्चर के अगेंस्ट थोड़ा एक्ट कर सके। पहली ये कि ये पिक्चर जॉन विक चैप्टर 4 2 घंटे 41 मिनट लंबी है, जो कि सबसे लंबी जॉन विक है, और तुम्हें लास्ट में ऐसा लगेगा कि लास्ट के 35 से 37 मिनट जो है ना, जो नॉन फैंस है स्पेशली, उनको ये लगेगा कि यार ये कट शॉट हो सकता था, पूरी की पूरी पिक्चर वाइंड अप करी जा सकती थी 1 घंटे 40-45 मिनट। ऑल्दो क्लाइमैक्स फैंटास्टिक है फिल्म का, लेकिन लास्ट के 30 से 35 मिनट में जितने भी भर के इन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस डाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ना ओवरकिल लगने लग जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि जॉन विक इस फिल्म में सबसे ज्यादा छतों से गिरा है और फिर वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही खड़ा हो जाता है, व्हिच आई थिंक इज बॉर्डरलाइन इंसैनिटी। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सुपर हीरो थोड़ी है, वो ऊपर से गिरता है फिर से खड़ा हो जाता है राइट एट द सेम मोमेंट। तो भैया अगर जॉन विक 4 लास्ट चैप्टर है सारी की सारी जॉन विक सीरीज का, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस यू वुड एवर सी टू अ फ्रेंचाइज। और ये पिक्चर का एंड देखने के बाद ना, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि ये बिल्कुल एप्ट एंड है इस फिल्म का, यहीं पे इस फ्रेंचाइज को खत्म कर दो। अगर इसको ज्यादा और ड्रैग किया गया ना, तो गॉड फॉरबिड फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा हल ना हो जाए इसका। हैट्स ऑफ टू चैड स्टाहिल्स्की, जो डायरेक्टर है सारी की सारी जॉन विक के, हैट्स ऑफ टू कियानू रीव्स, आई थिंक ही हैज डन अ फैबुलस जॉब पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। भैया सेम टू सेम बंदा तुम्हें दिखेगा, इंटेंसिटी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, एंड हैट्स ऑफ टू एवरी अदर कास्ट मेंबर ऑफ दिस फिल्म। तो भैया जाओ जाके जॉन विक चैप्टर 4 थिएटर में ही देखना, ओटीटी पे तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इसका असली मजा बड़ी स्क्रीन पर ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं तुम्हें रिव्यू देता हूं चोर निकल के भागा का। टू स्टार्ट विद मैं यही कहूंगा कि भैया चोर निकल के भागा को देखने के लिए मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है नेटफ्लिक्स पे कोई ऐसे नाम की पिक्चर आ भी रही है। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में हाइस्ट मूवीज के नाम पे कचरा ही करा गया है आज तक। प्लेयर्स आ गई एक तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर आ गई, मतलब एक्सट्रीमली बॉलीवुडाइज्ड हाइस्ट मूवीज थी, दिमाग लड़ा के चोरी चकारी वाली फिल्में नहीं बनी, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल 26 विच वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। चोर निकल के भागा की जो कहानी है वो बेसिकली है कि भैया एक उड़ते हुए प्लेन में एक चोरी चल रही होती है, और उस चोरी के दौरान हो जाता है वो प्लेन हाईजैक। तो अब चोरी चल रही है एक तरफ चल रहा है हाईजैक, ये दोनों चीजें जब साथ में आती है ना, यू वुड नॉट बी एबल टू बिलीव कि भैया कितने अच्छी तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया। 150 लोग थे प्लेन में, फिर तुझे ही क्यों मारा? पता होता तो ऐसे मार नहीं खाता ना। देखा जाए तो ये फिल्म है एक थ्रिलर हाइस्ट फिल्म, एंड इट जस्टिफाइज ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज यूज्ड व्हाइल स्पेलिंग थ्रिलर। एक एक चीज में तुम्हारे को सस्पेंस दिखेगा इस फिल्म के अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम लास्ट तक कभी गेस ही नहीं कर पाओगे। ऐसी सस्पेंस वाली फिल्म जहां पे तुम्हें हर मिनट ये लगे कि नेक्स्ट शॉट में क्या होने वाला है, और जब वो होता है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था वो हो जाता है। शायद ऐसी जो मैंने फिल्म लास्ट देखी थी वो थी बदला, और उसके बाद मैंने देखी है ये। यामी गौतम और सन्नी कौशल के बीच में एक लव स्टोरी है जो शुरू में बड़ी ही प्लेजेंट और प्लीजिंग लगती है, बट बाय द टाइम द फिल्म एंड्स वो कंप्लीटली कुछ और हो जाता है, विच केम एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। बॉलीवुड में जो थ्रिलर फिल्में हैं वो बेसिकली इसलिए फेल होती हैं क्योंकि बाय द एंड ऑफ द फिल्म लोगों को चाहिए एक्सप्लेनेशन। जो भी तुमने ट्विस्ट और टर्न दिखाया है ना, सस्पेंस दिखाया है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, और बॉलीवुड फिल्मों में वो कभी भी कंक्लूसिव होता नहीं है ज्यादातर। लेकिन इस फिल्म में बड़े ही इंटेलिजेंटली सारे के सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को एक्सप्लेन करा गया है। ये हीरे इंडिया कैसे पहुंचेंगे? डायमंड्स जीपीएस से कनेक्टेड होंगे, टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद हर सेकंड ट्रैक होंगे। कोई फालतू का लव एंगल नहीं है जिसको ड्रैग आउट कर रखा हो थ्रू आउट द फिल्म, कोई भी फालतू का मेलो ड्रामा नहीं है फिल्म के अंदर। फिल्म अपने टॉपिक से चिपक के रहती है, इनफैक्ट सो मच सो कि एक एक शॉट कहीं ना कहीं कंक्लूसिव है टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द फिल्म। सबसे बढ़िया बात इस पिक्चर के बारे में यह है कि इस पिक्चर को ना दिमाग लड़ा के ओटीटी पे रिलीज करा गया है। मुझे समझ नहीं आता कितनी मुश्किल है ये बात समझना कि 2020 के बाद लोगों के दिमाग में एक डिविजन बन चुका है बड़े पर्दे पे देखने वाली फिल्मों को और ओटीटी पे रिलीज होने वाली फिल्मों को। और ऐसी फिल्म चोर निकल के भागा जैसी फिल्म एंड अदर सच फिल्म्स व्हिच आर रियली गुड कंटेंट, बट ये बड़े पर्दे के लिए नहीं बनी है, इनको छोटे पर्दे पर ही रिलीज करा जाए, एंड दिस इज वेयर दिस फिल्म हिट्स। सन्नी कौशल को अच्छी तरह ग्रूम करा जाए ना, तो मेरे हिसाब से उसकी ऐसी पर्सनालिटी है दैट ही कैन बीट एन एक्टर लाइक कार्तिक आर्यन एनी डे।
प्लेन 30,000 feet पर होगा तब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यामी गौतम येट अगेन आफ्टर लॉस्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। मुझे ये समझ नहीं आता आज तक यामी गौतम इतनी अंडररेटेड क्यों है। स्टोरी में कुछ कुछ जगह तुम्हारे को लगेंगी लूप होल्स है, प्लॉट होल्स है, मेरे को भी लगा, बट जब तुम इस पिक्चर को आखिरी तक ध्यान से देखोगे ना उन सारी चीजों की भी एक्सप्लेनेशन है, सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड प्लॉट होल्स इन दिस फिल्म। तो भैया ओवरऑल दोनों फिल्में बहुत बढ़िया है। नेटफ्लिक्स पे अगर तुम्हारे को देखनी है चोर निकल के भागा जरूर चेकआउट करो। मैं कहूंगा जॉन विक को बड़े पर्दे पे देखो। अब कल आ रहा है जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पॉपकॉर्न का रोस्ट। भैया दिमाग आधा हो गया मेरा वो शो देख के, वो तुम्हें रिव्यू देख के समझ ही आ जाएगा। हम मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए मामा मियां लज़ानिया पप्पी बाय बाय, पैड से हाथ निकाल लो, बाय बाय।